अल्लाह तोबा गर्मी, ये लो चाय। तोबा इतनी गर्मी में चाय बनाई है। अरे हमेशा गुस्से में भिन्नाई रहती हो, कभी तो ढंग से भी बात कर लिया करो बेगम। जितना बात करती हूँ ना तो उसी में खुश रहा करो, समझे? और वो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो नरगिस है ना? नरगिस? संजय दत्त की माँ नरगिस की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे किराए पे हमीद साहब की बेवा नरगिस की बात कर रही हूँ। अब आया समझ में या कोई और निशानी बताओ तो समझोगे? अरे समझ गया बेगम, समझ गया। और सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल नहीं मानता उससे मकान खाली करने के लिए कहूं। क्यों? मेरा मकान है और मैं अपने घर में एक बेवा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, बेवा का साया तो बड़ा खराब होता है और मैं नहीं रखूंगी उसको। उसको बोला कि वो यहाँ से निकले। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? अरे मसला कुछ भी नहीं है बेगम, दिन ही कितने हुए अमित साहब के इंतकाल को, पर अभी तो वो खातून इद्दत में भी तो होंगी ना। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? वो इद्दत कहीं भी जाके करे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उससे कहो कि मेरा घर खाली करे। आपको किराया मिल रहा है ना, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो बात कर लेंगे हम लोग। तुम सठिया तो नहीं गए हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अरे तुम क्या बात करोगे, मैं खुद जाके बात करके आती हूँ। अरे भाई कोई है घर में? है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरी अम्मा है? जी वो अंदर है। अरे कैसी हो? अरे जाहिदा बाजी आप, क्या हाल है आपका? आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। नहीं नहीं मैं बैठने नहीं आई थी, बस तुम्हारा हाल हवाल ही पूछने आई थी। बड़ी गर्मी हो रही है, मैंने कहा चलो तुम्हारी भी खैरियत मालूम कर लूँ। ठीक हो ना तुम? भाई एक घर में रहते हैं, आखिर को किराएदार तो हो ना तुम हमारी। तो चलो मैंने कहा चलो पूछ लूँ, और तुमसे एक बात भी करनी थी। जी कीजिए। अब तुम्हारे शौहर होते तो उनसे बात करती, अब वो तो मर गए, बेवा हो गई हो ना तुम। अच्छा बस रो नहीं, बस बस। आपको किराए की कोई बात करनी है? अरे नहीं नहीं नहीं, किराए की बात नहीं कर रही। तुम क्या मुझे शर्मिंदा कर रही हो? तुम तो वक्त पे किराया देती हो, बहुत अच्छी खातून हो तुम तो। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि तुम हमारा मकान खाली कर दो। खाली कर दो? लेकिन क्यों जाहिदा बाजी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। वो क्या है ना, मेरी बहन है, वो आएगी, उसको जरूरत है। मगर जाहिदा बाजी मुझे तो इस मकान में अभी सिर्फ 6 माह ही हुए, और हमीद के इंतकाल को तो सिर्फ 1 ही माह। अरे तो 1 माह हुआ है ना, फिर 1 साल भी हो जाएगा। चुटकियां बजाते हुए देखो वक्त गुजर जाता, पता ही नहीं लगता। अब देखो मकान तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। मगर जायदा बाजी अभी तो मेरी इद्दत भी खत्म नहीं हुई है, मैं भी कहाँ जाऊंगी? देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या करें, अब तुम बेवा हो गई हो, अकेली रहती हो बच्ची के साथ, लोग बातें बनाते हैं। मैं तो बाहर निकलती हूँ ना, 10 लोगों की बातें सुनती हूँ। वो शमन है ना, उसका भाई देखो कितनी बातें कर रहा था, चुनमुन की लड़की वो बातें सुना रही थी, लड्डन की बहू ने कितनी बातें सुना दी, और पता नहीं कितने कितने लोग हैं जो मुझे बातें सुनाते रहते हैं। हैदराबादी बस करें आप, आखिर कौन लोग हैं जो बातें बनाते हैं? आप मुझे किसी से मिलवाती क्यों नहीं? हाय हाय हाय, तोबा तोबा तोबा, क्या हो गया तुम्हें बहन? अब क्या मैं सबकी तस्वीरें खींच खींच के तुम्हें लाला के दिखाऊंगी? इसने कहा इसने कहा इसने कहा है? भाई 10-15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, मकान ढूंढो और कहीं और जाके रहो, मेरा घर खाली करो। आने तो नेकी का तो कोई जमाना नहीं है, इतनी बातें सुना दी हमें, उन पे चढ़ चढ़ के आ रही है। मम्मा ये हमें घर से क्यों निकाल रही है? बस बेटा तुम्हारे बाप के मर जाने के बाद इन सब की आंखों में बाल आ गया। आखिर तुमसे सबर हुआ ही नहीं, फौरन ही उठ के चली गई उसके पास। मैंने तो भाई साफ साफ कह दिया 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरा मकान खाली कर दो। 240 गज का मकान है,
आज के दौर में 240 गज के मकान की कितनी अहमियत है, और तुम्हें तो मुफ्त में मिल गया ना। नहीं बेटा, सब ऐसे नहीं होते। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे खुदा की बंदी, तुमने जरा भी नहीं सोचा उस बेवा औरत और उस यतीम बच्ची के बारे में? चलो, तुमने तो सोच लिया। वैसे भी हमारी अम्मा कहा करती थी, बेवा औरत बड़ी खतरनाक होती है। हम यही रहेंगे, रो मत, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाप ने इस घर के पूरे साल का एडवांस दिया है, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे वो बेचारी तो जानती नहीं है कि एग्रीमेंट तो हुआ है, मगर उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। वही तो, एग्रीमेंट की कॉपी उसके पास तो है ही नहीं, और पूरे साल के पैसे हमने उसके शौहर से ले लिए थे। अब देखती हूँ कैसे साबित करती है, एक किराएदार है या कब्जादार। सॉरी सोबिया, मैं तुम्हें बेवक्त कॉल कर रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत? मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया है मुझे। ऐसे कैसे घर खाली करवा सकते हैं? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? उनसे कह दो कि एक साल से पहले घर खाली नहीं कर सकते। मैंने सब कुछ कह कर देख लिया, मगर वो एक ही रट लगाए बैठी है कि 10-15 दिन में मकान खाली करो। अब तुम बताओ, मैं 10-15 दिन में कहाँ मकान ढूंढूंगी और कहाँ जाऊंगी मैं बच्ची को लेकर? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा सोबिया, प्लीज तुम कुछ करो। तुम जानती हो मैं लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। मैं इद्दत में बैठी हूँ। अच्छा, तुम उनसे कह दो कि 3 महीने बाद घर खाली कर देंगे। जब तक तेरी इज्जत का टाइम भी खत्म हो जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू परेशान नहीं हो। लेकिन फिर भी हमें पहले से बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना कहीं रहने का। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तू कुछ अरसा मेरे साथ रह सकती है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? जी मैडम, ये है मेरी दोस्त लड़की समीर, के सिलसिले में मैं यहाँ आई। आपको मैंने देखा है, आप गालिबन पहले भी हमारे ऑफिस तशरीफ लाए हैं। जी मैडम, नादिया इमरान के साथ उनके खुला के सिलसिले में। बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया मुझे। बताइए जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपके वालदैन इसी शहर में रहते हैं? नहीं मैडम, मेरे वालदैन का तो इंतकाल हो चुका है। मेरा शहर में कोई भी नहीं है। मेरी एक बच्ची है जो मैं इनके घर छोड़कर आई हूँ। हाँ, मेरा एक शादीशुदा भाई है जो। मैडम, भाई भाभी ने भी इनसे आंखें फेर ली हैं। क्या कहें जी, आजकल तो खून के रिश्तों पे भी एतबार नहीं रहा, इस कदर खुदगर्जी हो गई है। लेकिन बहरहाल, आपका मालिक मकान इस तरह एकदम से आपको घर से बेदखल नहीं कर सकता। आपके भी हुकूक हैं किराएदार के तौर पर। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा मेरे ख्याल में आप लोगों का। कितने अरसे से रह रही हैं आप इस घर में? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने, इसका मतलब है 5 महीने की मियाद तो अभी भी बाकी है। तो उससे पहले तो वो आपको घर से नहीं निकाल सकता, और अगर मुद्दत ख़त्म होने से पहले भी वो निकालना चाहे तो उसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है। उसे आपको नोटिसेज भिजवाना पड़ेंगे। 3 नोटिसेज अमूमन भिजवाए जाते हैं 15-15 दिन के वक्फे के साथ। इस किस्म का कोई प्रोसीजर फॉलो हुआ है? नहीं मैडम, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस कदर बुरे मालिक मकान के साथ आप क्यों रहना चाहेंगे, जिनको आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। बेहतर नहीं होगा कि आप उनका मकान छोड़ दें, किसी बेहतर जगह शिफ्ट हो जाएं, जो कम से कम आपकी मदद भी करें, आपके साथ सिंपैथी भी हो। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन 2 दिन पहले। ये बताएं आज आप मुझे किस बात का ताना देने आई हैं? अरे नहीं, मैं तुम्हें ताना क्यों देने लगी? तुम
तो मेरी बड़ी बहन हो और मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन अपनी बहनों को ताना थोड़ी देती हैं। वो मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया। तुम तो इद्दत में हो ना, बेवा हो, तो सोचा कि तुम हमारे घर में थोड़ी आओगी, इसीलिए खुद ही आ गई। प्यासा कुएं के पास ही आता है। किस बात का जवाब चाहिए आपको मुझसे? अरे भूल गई, तुम भी ना याद नहीं रखती, वही मकान को खाली कर रही हूँ। जायदा बाजी, आप मुझे रोज रोज यहाँ तंग करने मत आया करें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अभी इद्दत में हूँ और मेरी इद्दत खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। खुदारा मुझे अपने शोहर का सोग मना लेने दें, मुझे तंग मत करें आप। अच्छा, मालिक मकान से किस तरह बात की जाती है ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अब तंग करना किसे कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तंग करते किस तरह हैं। मकान खाली करो, अब मैं 3 महीने इंतजार नहीं करूंगी तुम्हारी इज्जत का। 3 सेकंड में तुम्हारा कान पकड़ के बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी। निकलो मेरे घर से। ज़ायदा बाजी, जैसे ही मुझे मकान मिलेगा मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती। तो घर बैठे बैठे मकान नहीं मिलेगा, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांग रही हूँ तो मकान ऐसे नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या मस्जिद में ऐलान करवा दूँ? हाँ तो मस्जिद, अरे हाँ, मस्जिद के इमाम साहब का मकान खाली है, 1.5 कमरे का है, ले लो। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, अलबत्ता आप इतना कर दें कि जो मेरे शौहर ने आपको डिपॉजिट की सूरत में 1.5 लाख रुपए दिए थे वो मुझे वापस कर दें आप। 1.5 लाख हमें दिए थे? जी, 1.5 लाख रुपए, ताकि वो पैसे देके मैं आगे कहीं मकान ले सकूं। खुदा ना खास्ता, ये कब का वाकया है? कब दिए थे 1.5 लाख रुपए हमें? अरे झूठी औरत। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मालिक मकान और किराएदार आपस में आजादाना तौर पर किराए का मुआयदा कर सकते हैं। किराया नामा दस्तखत होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर कराना लाजमी होगा। हर 3 साल बाद जायदाद के किराए में अज खुद 25% इजाफा हो जाएगा। तहम मालिक मकान और किराएदार बाहमी रजामंदी से किराए में इजाफे की शरह तय कर सकते हैं। जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और कंटोनमेंट एरियाज में किराएदार या मालिक मकान की दरख्वास्त पर रेंट कंट्रोलर को किराया तय करने का इख्तियार दिया गया है। इसका मतलब है कि वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं कर रहे। वो तो मुकर ही गए। मैडम, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई डिपॉजिट लिया भी था। आपके पास रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी है? नहीं मैडम, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की रसीद है? नहीं। देखिए, जिस वक्त ये एग्रीमेंट साइन हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन हुई, उस वक्त आप मौजूद थी? नहीं मैडम, मैं मौजूद नहीं थी। ये सारे काम मेरे शोहर ने किए थे जो भी इस दुनिया में नहीं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये 1.5 लाख की रकम चेक के जरिए दी गई या कैश दिया गया था? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। आपके किराएदार होने के तहत हुकूक हैं, और चाहे ये वर्बल एग्रीमेंट भी हुआ हो, फिर भी हम इस बात को प्रूव करेंगे। इस तरह आपको कोई घर से बेदखल नहीं कर सकता। सलाम अलैकुम मैम, ये तो वही खातून थी जो पिछली दफा अपनी दोस्त के खुला के सिलसिले में आई थी। आज किसकी तलाक कराने आई है? हंसने की क्या बात है शहरोज, किसी का घर टूटे अफसोस की बात होती। और ये तलाक का मामला नहीं है, एक मालिक मकान ने तंग किया। वह बेचारी बेवा औरत है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, और जब से डेथ हुई है मालिक मकान धमकियां दे रहे थे घर खाली करो, और ना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर रहे हैं और ना मान रहा है कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था। क्या जमाना आ गया है। तो परेशानी की क्या बात है मैम, इनके पास रेंटल एग्रीमेंट होगा, उससे सब पता चल जाएगा। यही तो मसला है। तो लोग भी इस कदर सिंपल होते हैं ना, एतबार कर लेते हैं फौरन से। ये तो घरेलू सी खातून है, इनको मालूम ही नहीं है कि हस्बैंड ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किस किस्म का रेंटल एग्रीमेंट था। आप अगर कहें तो इलाका थाने से कोई प्रेशर बिल्ड करवाएं।
नहीं भाई, हर मर्तबा इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो जाती। विच रिमाइंड्स मी, कल नाजिया के केस की हियरिंग है कोर्ट में, आप प्लीज़ जल्दी आइए 10:30 बजे। और कल हियरिंग के बाद आप कोर्ट से डायरेक्टली ज़रा इस मालिक मकान को डील करें, उसे भी मालूम हो कि बेशक बेवा औरत है लेकिन अकेली नहीं है, उसकी मदद के लिए लोग मौजूद हैं, उसकी बैक पर भी कोई है। ठीक है मैम। जरा सा बारिश का छींटा पड़ता है और लाइट चली जाती है और बिल इतने लंबे लंबे। ओहो, इधर इधर ना सलाम ना दुआ कुछ नहीं, अब फुदकती हुई ऊपर चली जा रही हो। क्या ट्रेजेडी क्वीन को कोई मासी का काम मिल गया है? अपनी लौंडिया को साथ लेके गई थी। वैसे शक्ल से तो मासी तुम लगती हो, और मासी का काम भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्या मेंढकी को भी जुकाम हो गया? बड़ी जबान चल रही है, उस दिन तो बड़े फलसफे झाड़ रही थी इज्जत पे कि मैं बाहर कैसे निकलूंगी, मैं घर कैसे ढूंढूंगी, अब कैसे चली गई थी। आज तुम इतनी जल्दी में गई कि सीढ़ियों का बल्ब भी बंद करना भूल गई। मुझे लगता है तुम एक नंबर की अंधी औरत हो, मैं बल्ब बंद करके गई थी। और हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो औरत दिन में इज्जत में बाहर निकल सकती है। प्लीज जो फजूल फलसफे है ना, अपने अपने पास रखा करो। अंधी तो तुम हो, मालिक मकान से बात करने की तमीज नहीं है, मुफ्त की बिजली नहीं है, बिल आता है, मैंने अभी बंद किया है। अच्छा, तो आधा बिल इसका मैं भी भरती हूँ। और हाँ, अगर ये घर लेने से पहले मैं तुम्हारी ये शक्ल देख लेती ना और मुझे पता होता तुम इतनी जाहिल हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे घर ना लेती। अगर मैंने तेरी गवार जैसी सूरत देख ली होती ना तो तुझे घर के अंदर भी नहीं आने देती। वैसे एक नंबर की बदतमीज और जाहिल औरत हो, तो तुम्हारे तो मुंह लगना बेकार है। और हाँ, एक बात याद रखना, जाओ मैं नहीं करती तुम्हारा घर खाली, मेरा डिपॉजिट वापस करो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, वरना आइंदा मुझे धमकी लगाए ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझी तुम? जाहिल बदतमीज औरत, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें मैंने, हर वक्त का जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। ये आज किससे मिल के आई है? शुक्र है किसी ने सुना नहीं, बड़ी बेइज्जती होनी थी। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइएगा कि मकतूला नाजिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बयान करती है। सर, 9 अप्रैल को रात 11 बजे मकतूला को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपको कुछ अंदाजा है कि 55 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होता है? और आपने अभी खुद कहा है कि शामिल तो माली बहरान का शिकार था, तो फिर ये प्रीमियम कहां से देगा? योर ऑनर, वकील सफाई के गवाह ने जो अभी बयान दिया और मुलजिम और इनकी बीवी के दरमियान जिस मुबैना मोहब्बत का जिक्र किया गया, पेश किए गए शवाहिद और वकला की बहस की बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्तगासा ने मुजरिम के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश की, कोई ठोस और नातरदीद सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, लिहाजा यह अदालत मुजरिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। अदालत मुजरिम को इस बात का भी पाबंद करती है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। ये अदालत इस्तगासा को इस बात की तंबीह करती है कि इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे किए हैं और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समाअत पे अदालत में पेश की जाए, समाअत मुलतवी की जाए। तुमने पानी बंद किया? नहीं, मैंने तो कोई पानी बंद नहीं किया, पानी है ही नहीं। जाके पानी खोलो, मेरी बच्ची को स्कूल जाना है, उसको देर हो रही है। अल्लाह, सुबह सुबह ये मनहूस शक्ल देख ली, आप देखना सारा दिन खराब गुजरेगा, पानी नहीं है घर में। एक दिन में कैसे पानी खत्म हो गया? कल तो 4,500 का टैंकर डलवाया। जी, अब मैं तमीज से बता रही हूँ, पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, पानी जितना भी था मैं पी गई। तुम ये जो हर्बे इस्तेमाल कर रही हो ना, ये सब बेकार जाएंगे, जाके पानी खोलो। हर्बे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ पानी बंद किया है, फिर गैस बंद करूंगी।
फिर बिजली बंद करूंगी। उसके बाद देखियो तू यहाँ कैसे रहती है। पूरे महल्ले को बताऊंगी कि ये यहाँ जबरदस्ती घुस के बैठी हुई है, हमारे घर पर कब्जा कर रही है। आहिस्ता बात करो आहिस्ता, मैं यहीं खड़ी हूँ, इतना चीख चीख के मोहल्ले में मत सुनाओ। तो मैंने भी तुमसे कह दिया है पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है, अब जाओ। अच्छा से क्या होगा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लाओ मेरा 1.5 लाख रुपए निकालो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। के सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के तहत कोई लैंडलॉर्ड किराएदार को मुतल्ला किए बगैर या उसकी इजाजत के बगैर बिजली पानी गैस वगैरह की सर्विस मुअत्तल नहीं कर सकता। इस सूरत में किराएदार कंट्रोलर को दरख्वास्त देकर सर्विस बहाल करवा सकता है और लैंडलॉर्ड को 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि नरगिस हमीद आपकी किराएदार है? जी हाँ। सुना है मकान खाली कराने के मामले में आप लोगों का उनसे कोई तनाज़ा चल रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? तनाज़ा? कैसा तनाज़ा भाई, और ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे ये बात किसने कही? कहा किसी ने नहीं है, हमारे पास दरख्वास्त आई है, इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से कुछ पूछने के लिए आया। ओहो, उस दिन जब वो सुबह सुबह निकली थी ना वकील से मिलने गई थी। अच्छा तभी तो मैं कहूँ ये इतना अकड़ अकड़ के क्यों आ रहे है, आंखें क्यों दिखा रही है। इस तरह उसने मुझसे बदतमीजी की थी ना, अब पता चला। वैसे तो बड़ी पारसा बनती है कि इज्जत के बाद में घर से बाहर नहीं निकल सकती। बीबी दौरान इज्जत अगर आप किसी को तंग करेंगी तो वो बाहर निकल के किसी से तो मदद लेगी। हमने कब उसे तंग किया भाई, हमने तो आज तक उसे डिस्टर्ब ही नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इद्दत पूरी करके तुम कहीं भी मकान ढूंढो और चली जाओ। भाई मेरी बहन को जरूरत है, इसलिए मैंने उसे कह दिया था मकान खाली करने का, और वो चल पड़ी मुकदमे लड़ने, वकील से मिलने। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें घर खाली करने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो अपनी इद्दत पूरी करना चाहती है। तो बस ठीक है भाई, मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, आप लोग उनके 1.5 लाख रुपए वापस कर दीजिए जो आप लोगों ने एडवांस के तौर पे उनसे लिए थे ताकि वो आगे घर देख सके। 1.5 लाख, वो भी एडवांस की सूरत में? अच्छा तो अब वो ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? आप लोगों के दरमियान कोई लिखा पढ़ा कोई एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना मकान देने से पहले? अरे भाई बात दरअसल ये है कि वो जो एग्रीमेंट है ना। अरे तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ। अब बात यह है कि वो उनके मियाँ और हमारे शौहर दोनों दोस्त थे, तो इसलिए दोनों में जबानी कलामी बात हुई और मकान किराए पे दे दिया। ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ और ना ही कोई लिखत पढ़त हुई, और क्या कहते हैं वो एडवांस भी नहीं लिया हमने तो। अच्छा वो तो 1.5 लाख रुपए का कह रही थी। अच्छा तो अब वो बेवा होने का फायदा उठाना चाहती है। अरे अच्छा ही हुआ कि उन्होंने 1.5 लाख कहे, अगर 5 लाख कह देती तो हम क्या कर लेते। ठीक है मुझे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मैं बहुत तेज़ औरत हूँ, बल्कि तेज़ नहीं है बदतमीज़ है, अपने मियाँ को भी नहीं बोलने देती, यही चीज़ इसको मशकूक बना रही है, और उसने तो रकम वापस करने से भी इनकार कर दिया। अरे बदतमीज़ी निकल जाएगी, एक लीगल नोटिस भिजवाएं आप उसको। बल्कि एक दो काम और करें शहरोज, एक तो मरहूम हमीद साहब के सेलफोन का डेटा निकलवाइए 6 महीने तक का, और नरगिस साहिबा से पूछें कि हमीद साहब का बैंक अकाउंट किस बैंक में था। फिर उस बैंक को भी एक लेटर लिखिए कि एक केस के सिलसिले में हमें मदद दरकार है और हमीद साहब के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, वो भी लास्ट 6 मंथ्स की निकलवाएंगे आप। ठीक है मैम। हद हो गई भाई, हद हो गई। अरे तुम अखबार पढ़ते रहो, यहाँ पे इतना बड़ा मसला हो गया, ये देखो पढ़ो इसे। ये क्या है? ये उसी वकील ने नोटिस भिजवाया है। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अरे तुम्हारी जिद मुझे किसी मुसीबत में फंसवा कर ही छोड़ेगी। कितना मना किया था ना मैंने तुम्हें कि इस हेर फेर के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अब ये बहस करने का वक्त नहीं है।
बस तुम तो हमेशा ना लकीर के फकीर बने रहा करो, बातें सुनानी आती हैं, काम करना कराना कुछ नहीं आता है। अब बताओ उसका क्या करना है। अरे सामने वाले को कुछ बोलने का मौका दोगी तो कुछ बोलेगा ना। हाँ तो बोला ना, दिया था मौका, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम। मैं ये कह रहा था कि तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये ले पकड़ो। अच्छा करता हूँ कुछ। पाकिस्तान में मालिक मकान और किराएदार से मुतालिक कवानीन चार मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग हैं। एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, नंबर दो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, नंबर तीन सिंध और चार कंटोनमेंट एरियाज। इन चारों इलाकों में जायदाद के किराए से मुतालिक कवानीन में फर्क पाया जाता है। देखिए मौसूफ, आपके पास आखिरी मौका है। सोच लें आप कि आपने कोर्ट में जाके रुस्वा होना है या आउट ऑफ कोर्ट अपनी इज्जत बचानी है। फैसला आपके हाथ में। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, भला कौन शरीफ आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पसंद करेगा। तो फिर ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है, मसला ही हल हो गया। आप नरगिस साहिबा के 1.5 लाख रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर उन्होंने आपको दिए थे वो आप वापस कर दें, वो आपका घर खाली कर देंगे। अरे मैडम उन्होंने हमें कोई डिपॉजिट नहीं दिया। लगता है आपने फैसला कर लिया है कि आपने कोर्ट जाना ही जाना है। आखिर आप मुझे प्रेशराइज क्यों कर रही हैं मैडम? प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आपका भला सोच रही हूँ। आपको कुछ अंदाजा है कि कितने सबूत हैं हमारे पास आपके खिलाफ? सीधा जेल जाएंगे आप और आपकी बीवी भी। कैसे सबूत? आपको यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखिए हमीद साहब की अकाउंट स्टेटमेंट है, ये तारीख और ये अमाउंट देखिए, 1.5 लाख रुपए की रकम उन्होंने आपके अकाउंट में जमा करवाई थी। और इससे पहले कि आपको ये झूठ बोले कि उसने कोई कर्ज देना था आपका, ये देखिए ये उनके सेलफोन का डाटा है, ये आपने SMS भेजा है मरहूम को कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की 1.5 लाख की रकम मिल गई है, आप प्रॉपर्टी डीलर से घर की चाबी ले लें। और इसके अलावा भी बहुत से केसेस बनते हैं आपके खिलाफ, आप सिचुएशन की संगीन नौयत को समझ नहीं पा रहे। आपको अंदाजा है एक FIR तो सीधी सीधी आपके खिलाफ इसी बात पर कटती है कि आपने नरगिस के घर का पानी बंद कर दिया था और ऊपर से धमकियां दी थी कि गैस भी बंद कर देंगे। और यही नहीं, दूसरा केस आप पर बनता है हरासा करने का, एक बेवा औरत इद्दत की मुद्दत काट रही है अपने घर और आप उसको धमकियां दे रहे हैं, मोहल्ले में उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये मजाक नहीं है, 3 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना बनता है इस बात का। और ये जो आप मेरे सामने भी बैठ के झूठ बोल रहे हैं ना कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम नहीं है, ये 420 के तहत फ्रॉड का केस बनता है, सीधा जेल जाएंगे आप भी और आपकी बीवी भी। कौन मशवरे दे रहा है आपको ये गलत किस्म के? अपनी उम्र देखें, रमजान के महीने में आप झूठ बोल रहे हैं। और आपका जमीर गवारा करेगा? एक बेवा औरत के पैसे खा रहे हैं, कानूनी तौर पर भी आप गलत काम कर रहे हैं, दीनी तौर पर भी आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। ये घर है किसके नाम? दरअसल ये मकान मेरी बेगम के नाम है, वही मेरे सारे मामला देखती हैं। ये मशवरा भी वही दे रही हैं आपको? बदकिस्मती से ये मशवरा भी उन्हीं का था मैडम। तो आपका भी तो कोई ज़मीर है ना, अपना जहन भी इस्तेमाल करें, गलत काम कर रहे हैं। वो कहेंगे कुएं में छलांग मार दें तो आप मार देंगे। समझाएं अपनी बेगम को जाकर, ये केस करने का खर्चा और उसके अलावा जुर्माना अलग होगा। और जो मोहल्ले में रुसवाई होनी है ना, जो मोहल्ले वालों को पता चलना है कि आपने एक बेवा औरत का हक मारा है, दीनी एतबार से भी कैसे आप किसी यतीम और बेवा का हक मार सकते हैं? जायदा क्या है? और ये मुंह लटका है, कहां से चले आ रहे हो चिलगोजे के मुंह वाले? अरे मेरी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद करके पूछती हो कि मुंह क्यों लटका हुआ है? कि ये क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो? मैंने ऐसे क्या कर दिया? एक बेवा और यतीम बच्ची के हक मारने की प्लानिंग करती हो और फिर भी खुद को बेकसूर समझती हो?
लगता है तुम्हें किसी ने पट्टी पढ़ा दी है। अरे पट्टी तो तुमने सारी जिंदगी मुझ पर लालच की बांध रखी थी। वो तो भला हो सामना कबीर साहिबा का, इसने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें पता है अब इसकी तुम्हें कैसी सजा भुगतनी पड़ेगी? अरे तुम्हें जेल हो सकती है। तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? तीन दुनिया आखिरत की रुसवाइयां समेट ली हैं तुमने। अरे खुद तो मरी मरी मुझे भी तबाह करके छोड़ा है तुमने। क्या होगा हमारा? अरे बड़ा फखर था ना तुम्हें इस 240 गज के मकान पर जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया था। दिन रात ताने मारा करती थी मुझे। तो कौन सा गलत कहा है मैंने? तो सजा भी अब तुम ही भुगतोगी है? नहीं नहीं, मुझे कोई सजा नहीं भुगतनी। मुझसे गलती हो गई। वो शन्नी आपा है ना, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि ये बेवा औरतें जो है ना शादीशुदा औरतों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनके भटकावे में आके मैंने इस तरह की हरकत कर दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर भी ज्यादा ज्यादा तूने ऐसा क्यों किया? बिलाल मैं कह तो रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अच्छा चलिए बता के नरगिस बहन की इद्दत कब पूरी हो रही है? शायद इसी हफ्ते में। ओके। कैसी हो नरगिस? मेरी इद्दत ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी अब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा तो पैर खुला है ना, देखो तुम्हारे भाई मिलने आए हैं तुमसे। भाई? अजी सुनते हैं, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल बात यह है कि हम लोग आपकी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग आपसे बहुत शर्मिंदा हैं मेरी बहन, हो सके तो हमें माफ़ कर दें। अरे आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप खड़े खड़े क्या देखा, दीजिए ना। बहन ये तुम्हारी अमानत, डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए। और अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, जब तक दिल चाहे इस घर में रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इसका मतलब है कि तुमने हमें माफ नहीं किया बहन? नहीं बिलाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरा अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहकावे में आके तुम्हें इतनी बातें सुनाई, तुम्हें तंग किया, परेशान किया, लेकिन तुमने एक लफ्ज नहीं कहा, सब कुछ सहा। मुझे माफ कर दो। अरे आप मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? और वैसे भी गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं ना। आप रोई नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी, हम सब साथ मिलके ईद मनाएंगे। मुझे अल्लाह पाक ने इसीलिए बे औलाद रखा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये औलाद मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मैं अपनी बेटी को खुद ईद की शॉपिंग कराऊंगी, सही है ना? अब हम सब मिलके रहेंगे प्यार मोहब्बत से। अगर आप भी कोड नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv पर।